उत्पत्ति अध्याय 7, उत्पत्ति अध्याय 7। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू साथ साथ अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से दो दो लेना अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी साथ साथ अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितनी वस्तुएं मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेल पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया, और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेल पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके।
परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4।
यहोवा की यह वाणी है कि हे इसराइल, यदि तू लौटाना चाहती है तो मेरे पास लौटा, और यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा, और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो अन्य जातियां उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और इस पर घमंड करेगी, क्योंकि यहोवा ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यो कहा कि अपनी पड़ती भूमि में हल जोतो और कटीले झाड़ों के बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। यहूदा में यह प्रचार करो और यरूशलेम नगर में यह सुनाओ, देश भर में नरसिंगा फूको और गला खोलकर यह ललकारो कि आओ हम इकट्ठे हो और गढ़वाले नगरों में जाए, तुम सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया चाहता हूं। सिंह अपनी झाड़ी से निकल अर्थात जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करने आ रहा है, वह तो कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहे। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ प्रकोप हम पर से टल नहीं गया, और यहोवा की यह भी वाणी है कि उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा और याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को छेदने पर है। उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा कि जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लहू बह रहा है, वह ऐसी वायु नहीं जिससे ओसाना वा फरछाना हो, परंतु ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु मेरे निमित्त बहेगी। अब मैं उनको दंड मिलने की आज्ञा दूंगा। देखो वह